लोग इतने मोटरसाइकिल से आके शॉपिंग करन एनू देखन यही मेरी ड्यूटी है। लोगों ने तुहानू कबूल किया? हाँ बिल्कुल, सिर मत्थे ते बिठाया सानू, तुसी किधरे भी देखोगे साडे नाल सैल्फियां बना रहे ने, साडे नाल बह के बोतल, साडे नाल बह के चाह पीना चाह रहे ने। और मेरा ख्याल है कि वो सारी जिहड़ी कहिंदे ना क्रेडिट जिहनू जांदा है या जिहनू सारा इनाम जांदा है वो इस वर्दी दे, मैं बड़ा खुश हाँ वर्दी पा के, क्योंकि मैं अपने मुल्क दे किसी भी काम आ रहा। देखो कोतवाल मुगलां दे दौर दे सन और साडा ही को कल्चर सन, अज मैं अपने कल्चर नू जे लोगों सामने डेलीगेट कर रहा वा ते मेरी खुश आके दसना दसना। हाँ बिल्कुल, डंडा वजाण दा मकसद यह हुंदा सी कि मिसाल दे तौर ते जिहड़े राजदान सन या जिहड़े चोर दौर जो कोतवाल आया जे जिन्हें के मास पिंडे ते कोई नहीं छड़ना ते ओ डंडा। कोई भी काम करदा बंदा उन्हूं तनखा मिलदी है या मजदूरी मिलदी है, मजदूर नूं उजरत मिलदी है, एवें गल है जी। तुहानूं भी तनखा मिलदी होएगी, लेकिन तनखा तो इलावा उजरत तो इलावा तुसीं किहड़ी चीज़ महसूस करदे हो जिहदा तुहानूं फखर महसूस हुंदा है? सब तो वड्डी फखर वाली गल जी, मैं मेरी आवाम का प्यार मिल रहा है, मैं लोगों के वो तारीफी कलामात मिल रहे ने, मैं लोगों की वो अखा च मेरे लिए प्यार नज़र आ रहा है। दुनिया को की पैगाम देना चाहोगे इस कैमरे की अख नाल? पूरी दुनिया लिए मेरा पैगाम है अमन मुहब्बत, यही चीज़ा साढ़े काम आनी है, तो यही चीज़ा नाल लैके टुरो, साढ़े पाकिस्तान आओ, तुहानू दसीए कि प्यार मुहब्बत और अमन और ईमान की चीज है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। जी वाले सलाम। आपका तारफ सर? सर नदीम जहांगीर नाम है मेरा, मैं शाही गुजरगा जो ये मेन ट्रेल है इसको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। वाल सिटी अथॉरिटी की तरफ से सुपरवाइज कर रहा हूं। सुपरवाइज कर रहे हैं, तब्दीली आ रही है। देखा जाए तो दो तीन लाहौर के मैं दूंगा नाम जो के अदारे हैं, जैसे कि पार्क एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी है, लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं, जगह जगह जो है वो नज़र आ रहा है, अब दिख रहा है उनका रिज़ल्ट उनके दिख रहे हैं। आपका जो है जिस तरह के गली सुरजन सिंह से एक शुरुआत, लोगों ने सोशल मीडिया पे गली वायरल हुई तो लोग इस तरफ जो है आना शुरू हुए, विज़िट करना शुरू हुए, अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ये अभी कोतवाल के सिलसिले में भी आपसे बात करेंगे, ये भी इसी की घटना। देखिए असल जो हमारा विज़न है ना, जो हमारा वो है सियाहत को प्रमोट करना। कुछ कुछ देर अरसे से कि यहाँ पर दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात के लोगों ने यहाँ पर आना छोड़ दिया है, लोग नहीं आ रहे, उनका रुझान नहीं बन रहा। उस रुझान को पैदा करने के लिए समझे मोटिवेट करने के लिए डेवलप करने के लिए इस तरह के आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं वॉल सिटी लॉर्ड अथॉरिटी, ख़ासतौर पर कामरान निशारी साहब जिनके आइडियाज़ हैं कि प्रमोट किया जाए वॉर सिटी को, ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो नापैद हो चुकी हैं, जो नहीं नज़र आ रही मौजूदा दौर में, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे हम इसको वॉर सिटी को करें, इसकी सकाफत, इसका कल्चर, इसकी रवायात बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। कामरान लिशारी साहब का नाम मैंने जब गली सुरजन सिंह का विज़िट किया था वहाँ पर भी जो मकामी लोग थे उन्होंने बड़ा सराहा था उनके बारे में, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी मशहूरी है उनकी, बहुत ज़्यादा लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। जी मैं खुद भी उनके महकमे में, मुझे एक अरसा हो गया यहाँ पर, मुद्दत हो गई उनके साथ काम करते हुए, तकरीबन 7-8 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए, और जो मैंने उनकी पर्सनैलिटी देखी है वो वाकई डिफरेंट है दूसरों से। इस लाहौर सिटी लॉर्ड अथॉरिटी में काफ़ी समझ डायरेक्टर जनरल आए हैं, लेकिन कामरान लिशारी साहब एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में है।
मैंने कई लोगों के सिर्फ नाम लिया जी, वो कहते अच्छा अच्छा कामरान अंसारी साहब के आप ऑफिस से आए हैं, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट भी किया है, मुझे वेलकम भी किया है। यानी कि आप समझते हैं कि अगर सुपरविजन जो है आपका जो लीडर है ऊपर आपको सुपरवाइज करने वाला जो बंदा है वो ऑनेस्ट है, दयानतदार है, लॉयल है और वो काम करने वाला है तो फिर नीचे भी जो अदारे हैं वो काम करते हैं। ये अदारे साला साल से तो कायम ही थे ना जी, लेकिन अभी क्यों ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हुए हैं? देखें, जैसे आपने सुना होगा कि फ़ौज में एक दस्ता होता था हरावल दस्ता, उसके सिपाही जो अगर वो शिकस्त खा जाते हैं ना तो समझ लें कि पिछले सिपाही भी शिकस्त खा जाते थे। तो इसी तरह ये कामरान अंसारी साहब हैं, इन्होंने हमें हरावल दस्ता बनाया हुआ है, ये हमारे लीडर है। लीडर पर बहुत डिपेंड करता है, अगर लीडर मजबूत है, फैसले करने में आज़ाद है तो हमें भी काम करने में आसानी होती है और मज़ा भी आता है हमें काम करने का। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो देख रहे हैं वीडियो, जो दूर दराज इलाकों में हैं और वो भी इस तरफ आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको कैसे वेलकम करेंगे? जी, आपने देखा होगा लोग सियाहत के लिए दूसरे शहरों में भी जाते हैं, दूसरे इलाकों में भी जाते हैं, लेकिन वॉर सिटी में बहुत कम लोग हैं जो जिनका रुझान बन रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के इकदाम कामरान अंसारी साहब उठा रहे हैं, इसी तरह के इकदाम अगर जारी रहे तो वॉर सिटी ना सिर्फ लोकल सतह पर बल्कि इंटरनेशनल इमेज भी हासिल करेगी। गली सुरजन सिंह के अलावा और ये कोतवाल जो अभी कल्चर शुरू किया है, इसके अलावा और नेक्स्ट आगे क्या अपकमिंग में आ रहा है लोगों के लिए? एक तो आपने देखा गली सुरजन सिंह इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट हुई है, उसकी वजह एक तो सफाई है। हमारा यहाँ पर जो सफाई का इंतज़ाम है उसका भी मैं इंचार्ज हूँ, तो सफाई को हमारा जो है ना समझ लें कि नंबर वन फहरिस्त पे है। अगर सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी तो हर वक्त तो वो लोग नहीं आएंगे। तो हमारा सबसे पहला विजन जो है ना वो सफाई है, तो प्रमोशन मिली है उसको सफाई की वजह से। और अलहम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप भी देखें, अभी हमारे लड़के काम कर रहे हैं और तकरीबन रात गए तक काम कर रहे होते हैं। ये जो कोतवाल हैं सर, इनको सैलरी वगैरह पे रखा गया है? जी, सैलरी पर्सन हैं और इनकी सैलरी जो है ना इनको टाइम पर मिलती है और ये खुश हैं कि इनको रखा गया है। और मेरी कोशिश है, मेरे इनके पास लीगल राइट्स भी हैं कुछ, मतलब कोई एक्शन लेने के लोगों के, मतलब अगर कोई क्रिमिनल किस्म का या कोई इस तरह का बंदा कोई आके अमन मान ख़राब करता है उसके ऊपर भी ये करता है? हमारी पहली कोशिश ये होती है कि मामला जो है वह अफवाह व तकफीम से हल किया जाए। अभी पिछले रिसेंटली हमारे किसी के बंदे ने कोई ऐसा मामला हुआ, वो इदारे की तरफ से आया जी कि इन्होंने बदतमीजी की, मैं कहा हमारा कोई बंदा बढ़कर बदतमीजी नहीं कर सकता। हमारे इनको एक ट्रेनिंग दी गई है, मोबिलाइजेशन की गई है इनकी, कि जो है ना आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, आपने लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना है, अच्छी गुफ्तगू करनी है। अगर कहीं मामला हल नहीं होता तो हमारा एक सुपरवाइज़र है, उसके बाद मैं हूँ, फिर हमारी मैडम है नौशीन ज़ैदी साहिबा, वो देखती है मामला को, तो इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से लोगों की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आ रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। शुक्रिया जी। ये लोग इतने मोटरसाइकिल से आके शॉपिंग करन, एनु देखन, यही मेरी ड्यूटी है। लोगों ने तुहानू कबूल किया है? हाँ बिल्कुल, सिर मत्थे ते बिठाया सानू, तुसी किधरे भी देखोगे साडे नाल सैल्फियां बना रहे ने, साडे नाल बह के बोतल, साडे नाल बह के चाह पीना चाह रहे ने। और मेरा ख्याल है कि वो सारी जी कहने ना क्रेडिट जिन्हों जाता है या जिन्हों सारा इनाम जाता है वो इस वर्दी नूं है, तो मैं बड़ा खुश हाँ वर्दी पा के, क्योंकि मैं अपने मुल्क दे किसी भी काम आ रहा। देखो कोतवाल मुगलों के दौर दे सन और साडा ही को कल्चर सन, अज मैं अपने कल्चर नूं जे लोगों सामने डेलीगेट कर रहा वा, तो यह मेरी खुशनसीबी। बिल्कुल डंडा वजाण का मकसद यह होंदा सी कि मिसाल के तौर पर जेरे राजदान सन या जेरे चोर डकैत सन उन्होंने जी अगर किधर कम हो रहा है तो दौड़ जाओ, कोतवाल आया जे जिन्हें के मास पिंडे से कोई नहीं छड़ना, तो वह डंडा अज भी साढ़े सामने। दुनिया नूं की पैगाम देना चाहोगे इस कैमरे की अख नाल? पूरी दुनिया लिए मेरा पैगाम है अमन मुहब्बत, यही चीज़ा साढ़े काम नहीं है, तो यही चीज़ा नाल लैके टुरो, साढ़े पाकिस्तान आओ, तुहानू दसीए कि प्यार मुहब्बत और अमन और ईमान की चीज़ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।